मुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। हलाल तो तू होगा हिंदुस्तानी काफिर। हिंदुस्तानी जिगरा होना चाहिए। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए काफी है हिंदुस्तान का ये अकेला मुसलमान। चिंगारी से ज्वाला बनता हूँ, बुझना मेरा काम नहीं। दुश्मन को जला के राख ना कर दूं तो बजरंगी मेरा नाम नहीं। फिक्र मत कीजिए जनाब, खुद को शिकारी समझने वाला वो हिंदुस्तानी दहशत बहुत जल्द सलाखों के पीछे हो। मछली घुस गई बा। हाँ। रुक कटिया फंसा वहीं के पड़। लॉकर में धाई के जवानी। देख भाई मेरे घर को ब्लास्ट मत करना। जनाब आफताब खान तो सस्पेंड है। आफताब खान की नजर में वजीर और फकीर में कोई फर्क नहीं। आफताब खान देखता है तो सिर्फ सही और गलत। मजहब और दीन के लिए जो अपनी जान गंवाता है वो सीधे जन्नत में जाता है। भेरी 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 हाँ भेरी ब्यूटीफुल, बाडू 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 तू बाडू बाडी कूल। उठवा के लाली तोड़ चटक रसीला, देखिए के मन हो जाए जो सीला। भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े। मेरे ही मुल्क में घुसकर मुझे धमकी दे रहा है, देखता हूँ तू मुझे यहाँ से कैसे ले आता है। अरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा। इस मौलाना महमूद असगर को जानता है। दुश्मनों को तुम्हारे धमकी भरे खत मिलने, पूरी पाकिस्तानी पुलिस चौकन्ना हो गई है। जनाब मैयत कब आएगी? किसकी? मरहूम यासिर खान की। मेरी कब? वैसे मौत के फरिश्तों को तेरा पता दे दिया है, 24 घंटों के भीतर वो तेरी रूह कब्ज करके ले जाएंगे। 26/11 ताज अटैक, कंधार प्लेन हाईजैक, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसका बदला लेना अगर मेरा जाति बदला है तो है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में घुसकर एक हिंदुस्तानी दहशतगर्द ने दिन दहाड़े पाकिस्तान के 3 रसरूख लोगों को अगवा कर लिया है। क्या? कोई है? ये आवाज मुंह से निकाला के पिछवाड़े से रिफ। कहां आ गया मैं? प्यार में यार के मैं तो जीना छोड़ दूं, बिना सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं। तू ही है बंदगी, तू मेरी जिंदगी। मैं एहसास दिला दो कि किसी भी हिंदुस्तानी को उंगली ना करे, अगर उनकी सटक गई तो वो उंगली नहीं सीधे बांस करेंगे। चिंगारी से ज्वाला बनता हूँ, बुझना मेरा काम नहीं। दुश्मन को जला के राख ना कर दूं तो बजरंग मोहम्मद अली मेरा नाम नहीं।